மண் மூலம் சென்னை கொண்டு வரப்பட்ட அவரது சாம்பல் கலசம் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக தியாகராய நகரில் வைக்கப்பட்டது. இன்று காலை சென்னை வந்து விமான நிலையத்திலிருந்து நரேசன் பாக்கு தீநகரில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பிறகு இன்று பிற்பகல் தாம்பரம் கண்ணுகார் ஓட்டி பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு இன்று இரவு ராமேஸ்வரம் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. சிவசேனா கட்சியின் தமிழ்நாடு நிர்வாகி பிஜேபி की वजह से ऐसा हुआ है, ये इसमें बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ है कि ये नुकसान हिंदुओं के लिए होगा, सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान होगा. धन्यवाद. अगले कॉलर. जय हिंद. कानपुर से बोलिए. हाँ सर, हमारा ये कहना सर, ये अभी एक दिन से थे बीजेपी और उनको राज ठाकरे को मिलकर लड़ना है चुनाव, ताकि कांग्रेस को हराया जा सके. धन्यवाद. अगले कॉलर. जय हिंद. नागौर से अशोक महेश्वरी बोल रहा हूँ. हाँ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन टूटा है, उसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है. उनको अभी मोदी फोबिया बहुत ज्यादा हो गया है. जो अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, वो शिवसेना की क्या कर सकते. इससे अच्छा है कि शिवसेना ने तुरंत ही पहले ही ये गठबंधन तोड़ लिया और अपने आप को बचा लिया, वरना ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खा जाती. धन्यवाद. अगले कॉलर. जय हिंद. हेलो, बोलिए. हाय सुरेश जी, नमस्कार. हाँ, अहमदाबाद से विनोद भाई बोल रहा हूँ. हाँ, पहली गलती है बीजेपी की, उसको शिवसेना को केंद्र सरकार में नजरअंदाज नहीं करना था. हाँ. दूसरी